बंद हुए मंदिर के कपाट तो बेजुबान हुए बेबस। आपदाओं का भावनाओं के साथ गजब का संयोग है, यह इंसानियत पर अपना कहर छोड़ती है, तो उसे व्यक्त करना और उसके लिए इंतजाम करना मुश्किल भले ही हो लेकिन असंभव नहीं। लेकिन बेजुबानों पर जब इसका असर आता है तो भावनाओं की अभिव्यक्ति का अधिकार भी उनसे छूट जाता है। कोरोना वायरस से उपजे संकट के बीच घर की चार दीवारी में दुबके मानव जाति के बीच बेजुबान बंदरों का हाल बेहाल है। मंदिर के कपाट बंद होने से चढ़ावा मंदिर की तहलीज पर नहीं पहुंच रहा है, जिससे इन बंदरों की सुधा को शांत करने का भी रास्ता बंद हो गया है। बेहला की धरती पर पावन स्थलों और मंदिरों के बीच पानी जाती है, उसी के साथ मंदिर परिसर में रहने वाले बेजुबान बंदरों का जमावाड़ा भी इन मंदिरों के एक मुख्य विशेषता है। पिछले एक महीने से कोरोना महामारी से जहां सरकार ने देश के सभी धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए रोक लगा दिया है और हमेशा भक्तों से गुलजार रहने वाले ये मंदिर वीरान नजर आ रहे हैं, ऐसे में मंदिर परिसर के आसपास रहने वाले बंदरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ट्रांसपोर्ट के मालिक और मीडिया से जुड़े अवधेश सिंह और उनके पत्रकार साथी शिवाकांत पांडे व विकास गुप्ता ने मीडिया कवरेज के दौरान इन बेजुबानों की ऐसी दयनीय दशा को देखा तो शनिवार को अपने निजी वाहन से मीडिया कवरेज के साथ बेहला के मंदिरों में पहुंचकर फल और अन्य खाद्य सामग्री बंदरों को वितरित किया। भले ही बेजुबान हैं लेकिन उनकी आँखों में इन मीडिया के साथी किसी मसीहा से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। डीडी टुडे न्यूज ब्यूरो प्रतापगढ़। आज आप बंदरों को यहाँ पर फल और खिला रहे हैं, क्या है पूरा? बंदर एक बेजुबान जानवर है, वो मनुष्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। लॉकडाउन में उनको कोई आदमी बाहर नहीं निकलता, इसलिए भूखे रहते हैं। इसलिए मैं परसों गया था घटवा बंदरही बाग जो है वहाँ खिलाया गया। आज यहाँ चंदगन धाम में आया, 8 दर्जन केले और 2 किलो चना, 1 किलो लाई लेके आया था बंदरों के लिए, कम से कम उनकी भूख मिटे। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह, स्वर्ण चेतना संवाददाता है और एकता ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक।